दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज एक छोटा सा क्लिप जो आपके लिए तैयार किया है वो है सेरेब्रल पाल्सी बच्चे का, घुटने का इलाज कैसे होता है। क्योंकि जब सेरेब्रल पाल्सी बीमारी होती है बच्चों को, तो उनको चलने में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो घुटने की वजह से आती है। क्योंकि घुटने का पूरा डेवलपमेंट नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती, उसकी वजह से वो पूरा बॉडी का वेट जो है वो उठा नहीं पाता। तो इसलिए आज हमने एक घुटने का क्लिप तैयार किया, और खास करके उन माता पिता के लिए या उन लोगों के लिए जो सिर्फ यही फोन करते हैं बार बार कि आप इलाज कैसे करते हो, आपका इलाज का प्रोसेस क्या है, किस टाइप से इलाज करते हो। तो अलग अलग इलाज होते हैं, क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं तो अलग अलग इलाज होते हैं। तो आज हमने एक बच्चे के घुटने का इलाज किया, जिसके घुटने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, जो कि ताकत नहीं झेल रहे थे, और उन घुटनों की ग्रोथ भी नहीं हुई, और इस बच्चे की एज भी थोड़ी ओवरेज थी। लेकिन उनका माता पिता का एक प्रयास है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, चाहे समय कितना लगे। और कई लोग, कई माता पिता है जो समय से घबरा जाते हैं कि हम रोज़ रोज़ कैसे लेके आए, हम आ नहीं सकते, आने में हमारे को प्रॉब्लम है। तो देखो, हमें जिंदगी मिली है, परमात्मा ने हमें जीवन दिया है दूसरों के भले के लिए, हमें हाथ पांव दिए हैं दूसरों के भले के लिए। तो हमें अपना जीवन दूसरों के भले के लिए ही लगाना चाहिए, दूसरों की सेवा के लिए ही लगाना चाहिए। हमें परमात्मा ने एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है, और इस अवसर को हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। तो और माता पिता का तो खास यही होता है, क्योंकि माता पिता के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए तो अपने ऐसे जो बच्चे हैं, खास करके जो इलाज जिनका चल रहा है, तो प्रयास करना चाहिए कि इलाज बीच में नहीं छूटना चाहिए, रेगुलर इलाज रखना चाहिए, समय पर जो थेरेपी चेंज होती है उसको भी करवाते रहना चाहिए। और आज का जो हमारा इलाज का जो देखो किस प्रकार हम, देखो एक बच्चे के घुटने का इलाज करते हैं कितना समय लगता है, और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है। आपने सिर्फ आना है और अपने इलाज हमने देना है, आपने रुकना है। देखो व्यवस्था आपने भोजन की, रहने की करनी है, और इलाज हमने देना है, और हम इलाज में पूरी मेहनत से, पूरे तन मन से, पूरी ऊर्जा से, पूरी ताजगी से और पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से जो है हम बच्चे का इलाज करते हैं कि उसके शरीर के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसे ही आप आते रहें और अपने बच्चों का इलाज ले आते रहें, और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद, दुआएं इकट्ठी करते रहिए। तो आज हमने इस क्लिप में आपको सिर्फ प्रयास किया है दिखाने का कि एक घुटने का इलाज देने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन हमारा प्रयास यही होता है कि बच्चा ठीक हो, हर हाल में बच्चा ठीक हो। क्योंकि ये जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे, मैंने आगे भी मैं बताता रहता हूँ कि जब ये बच्चे चलते हैं तो इनकी दुआएं बहुत बड़ी होती है। सबसे बड़ी जिंदगी के अंदर दुआएं होती है जो आदमी ने एकत्र करनी है, और दुआएं आदमी ने लेनी है। इसलिए
आप माता पिता हो, आपको तो दुआएं लेनी लेनी है और हमें भी आपके साथ दुआएं लेनी है। धन्यवाद।